माने भयंकर। अरे दुनिया में सबसे ज्यादा भयंकर कौन है? दुनिया में सबसे ज्यादा भयंकर कौन है? कौन उनको? कौन किसी में सबसे ज्यादा अवगुण है दुनिया में? ऐसा कौन जिसमें सबसे ज्यादा अवगुण होते? रावण। रावण कौन है? ये तो बड़ा मुश्किल है। बुराई का प्रतीक रावण। वो रावण कौन है जिसके अंदर सारे अवगुण है? कौन सी आत्मा है? कौन सी आत्मा है? अरे रावण कौन है? मनुष्य अरे आप रावण बता रहे थे। रावण तो कोई आत्मा नहीं, दस दस से रहे तो दस आत्मा हो। मतलब बाबा ने बताया कि बाबा की रावण बनता है। हो गया ना? तो राम में सबसे ज्यादा अवगुण है। राम में सबसे ज्यादा अवगुण है वह सतो प्रदान करता है। और शिव बाबा तो प्यार का सागर है, तो शिव की आत्मा तो प्यार का सागर बनती है। और राम वाली आत्मा सबसे ज्यादा भयंकर बन जाती है यार। नहीं भैरव समझ में आया? कोई आत्मा सबसे ज्यादा गहरी शराब पीती है। नहीं पता ये ब्रह्मा कुमार कुमारिया जो आंखें लड़ाते हैं ना सबने को बैठिए यही शराब है। सबसे ज्यादा आंखें कौन लड़ाता है? सबसे ज्यादा कौन लड़ाता है? शिव बाबा कितने आता है? हमारी आत्मा। तो शिव बाबा तो ठीक है, वो तो बच जाएगा अपने पाप भंग नहीं लगेगा। बाकी फंसेगा कौन? शराब पीने में कौन फंसेगा? राम वाली आत्मा फंसी, वो सबसे ज्यादा शराबी है। आंखें भी बड़ी लंबी नकली हो जाती होंगी शराब पीने वालों में। जवाब नहीं दे पाए? क्या जवाब दिया? ऐसे ही दिया थे। शराब मतलब दृष्टि का शराब बताए। वो तो सच की भैरव कौन है? भैरव बताए कौन है? जो आदिनाथ शंकर है ना, शंकर को भैरव नाथ ही कहते हैं। तो भाई फिर समय बैठी एक बार और बात किसको बताइए? आप नतूरा दुखाता है। शराब का भोग लगाते हैं क्या? नहीं उसका दूसरा रूप भैरव है, बहन का रूप, तमो प्रधान रूप, उसको शराब को भोग लगाते। वो देवी का जब भगत बन जाता है तब वो ऊपर की स्टेज चला जाता है। उसकी भाई बहुत रामवाली आत्मा भी लास्ट में वैष्णव देवी के भगत बन जाएंगे। जो सड़क की सारी दुनिया को भगत बनना पड़े। राम आत्मा है, राक्षस होते हैं ना उनके अंदर, वो देवी की भगत होते हैं। उनके अंदर तो सब वो राक्षस होते, किसके भगत होते हैं? देवी देवी होंगे। सबसे बड़ा राक्षस कौन है? सबसे जिन्नात कौन है? बहुत सब प्रणाम बनेगा तो जिन्नात भी सबसे बड़ा राक्षस भी सबसे बड़ा। सबसे बड़ा तो देवी होगा। बाबा देवी रावण संप्रदाय कहते हैं। रावण संप्रदाय रावण सबसे बड़ा पुजारी हो गया। राम रावण नहीं बनता।
तो नाम क्या लेकिन पुजारी वाले तो राव नहीं बनेगा जो चाट पार होते हैं वो क्या होते हैं अत्याचारी होते हैं क्या लक्ष्मी जब नहीं जो मक्खनबाजी करते हैं चाटकार होते हैं चमचागिरी करते हैं वो अच्छे आदमी होते हैं क्या तुम्हें लगते हैं अच्छे तुमको अच्छे लगते हैं तुम्हें देवी को अच्छे लगते हैं लक्ष्मी बाबा ना लक्ष्मी तो बड़ा लक्ष्मी क्या वैसी तब बनती है जब दूसरी देवी उसमें महालक्ष्मी जो कही जाती है महालक्ष्मी होती है तब वैष्णव बनती है तो वैष्णवी का तो सही होगा तो प्रधान रूप है वैष्णवी का लक्ष्मी का तो प्रधान रूप है और महाकाली तब वो प्रधान रूप है दोनों मिलती हैं तो महालक्ष्मी हो जाती है महालक्ष्मी वैष्णवी हो जाती है और जाते आदमी लड़ती लड़ती नहीं आदमी छत्री धर्म की होते हैं औरत लड़ती होती है हाँ जब और लड़ती है लड़ती नहीं है वो महालक्ष्मी दोनों मिलकर के महाकाली और महागौरी दोनों मिलेंगी तो वैसे देवी होगी महालक्ष्मी कोई देवी है वैसे वो तो रुकने वाला है वो आठ नौ देवियों में जो है वो योगिनी तो रुकने वाला कौन सा है राजा बनने वाला आदमी है भगवानी का बोले हैं भगवानी में पता नहीं कैसे भगवानी की बात अलग है वो भगवानी है भगवानी आ रही है इतनी होती है वो देवियों में वो योगी माँ को तो पता नहीं होगी वो अष्टदेव है कि रानी है देह के रूप में देखती है देह रूप में क्या देखो जो बुद्ध माला बना हुआ है आठ आठ देवता रानी बन जाते सात देवता मतलब रुद्र माला के मंदिर जो है वो सारे कितने उनके साथ पत्र नहीं है राजा बनेंगे रानी बनेंगे पता नहीं होगा विजय माला से निकलेंगे वो होगी पता नहीं विजय माला से निकलेंगे कि नहीं अब तुम चुप कर लड़ाई सपने से लड़ाई होती संगठन निश्चित कर लेंगे अभी तो सबसे पता लग जाएगा जिस दिन संगठन होगा तो उस दिन बाबा इधर आ सकते हैं जो भी है कितने भाई है कितने आपका भाई गार्डन में भी घूमो पार्क में भी घूमो बाबा द्वारी का मोल है द्वारी का मोल है बोला राधा कृष्ण गार्डन मिलते हैं ना तो वो गार्डन थोड़ी मिलेगी ये गार्डन है चैतन्य आत्मा का गार्डन
फिर उत्तम नगर भी है उत्तम से उत्तम नगर भी है लेकिन संगठन का निचर वो है अभी डिसाइड कहाँ हुआ सभी तो गुरुवार जानते हैं लेकिन बाबा बोले हैं सभी 7 बजे का सुबह का काम करने वाले जो है वो ये प्राइवेट काम कर प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं जैसे शनिचर को आ सकते हैं गुरुवार को जा सकते हैं गुरुवार ही आते हैं गुरुवार ठीक है मुझे भी गुरुवार की मैंने छुट्टी डिसाइड की है सबको आगे नहीं मालूम है सुबह सुबह क्लास है गुरुवार के बाद सुबह क्लास है नहीं शनिवार नहीं होगा ना गुरुवार ही होगा बाबा हम लोग को दोपहर को और शाम को क्लास नहीं लगता दोपहर को और शाम को क्लास हम लोग प्रभात फेरी मिली थी उसके बीच में प्रभात फेरी के बीच में हमने कहा कि बाबा काम का हुए नहीं आया बाबा तो आया हुआ है वो गया नहीं है तो मतलब एक ममता मैडम जो लगा था होने वाला था तो उन्होंने बातें करते करते मतलब अगर नहीं बताती तो कैसे तो बताना तो पड़ता है बाबा मेडिकल भगवान के बारे में सच्ची बात बताने मेडिकल ताकि कोई नुकसान करें यहाँ पर बताया तो बता दिए जैसे भक्ति माए है मतलब जिसका पार्ट होगा वो निकल आएंगे हमें तो पता चलेगा जिनका पार्ट है हमें तो बताना ही पड़ेगा एक को कहते हैं सारे जो है ना ये सारे बहन भाई बनाते पति पति को बहन भाई सारे क्या बोलते हैं